दोस्तों अगर आप एक आईपीएल फैन हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और आईपीएल 2018 की सभी न्यूज का मजा सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एंटरटेनमेंट पर आ रही इस समय की सबसे बड़ी खबर में और सबसे बुरी खबर में। दोस्तों जो आप सुनना नहीं चाहते थे वही हुआ है, यानी खबर आ रही है क्रिस गेल से रिलेटेड, किंग्स इलेवन पंजाब के सभी फैंस से रिलेटेड और क्रिस गेल के सभी समर्थक से रिलेटेड। दोस्तों खबर बुरी जरूर है, लेकिन सबसे पहले आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही है, तो आप अभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों ये खबर ये है कि किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से क्रिस गेल पर आज का मैच खेलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, वो इसलिए क्योंकि वो चोटिल हो चुके हैं। स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में से एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट स्पोर्ट्स कीड़ा की ओर से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में खेले जाने वाले मैच में क्रिस गेल का खेलना मुश्किल नज़र आ रहा है, जो कि क्रिस गेल के सभी फैंस के लिए, किंग्स इलेवन पंजाब के सभी फैंस के लिए बेहद बुरी बात है और बेहद बुरा लगा है। लेकिन दोस्तों ये आर्टिकल में इस न्यूज़ में यह भी लिखा हुआ है कि इस चोट के बाद अगर क्रिस गेल पूरी तरह फिट रहेंगे तो वो मैच जरूर खेलेंगे। दोस्तों चोट आई है उनको राइट लेग के नी पर, और वैसे भी क्रिस गेल पिच पर और मैदान पर कम ही दौड़ लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन दोस्तों हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आईपीएल 2018 का इस मैच में, जो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, इस मैच में वो जरूर खेलें और जिस प्रकार का फॉर्म है उस प्रकार से एक बार फिर हमें बल्लेबाजी करने को देखने को मिले। तो दोस्तों ये खबर सबसे पहले आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही है, तो आप अभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रिस गेल की फिटनेस को लेकर कोई भी पक्की खबर आती है कि क्या वो मैच खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे, सबसे पहले आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिलने वाली है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें ताकि वो सभी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।